दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कई दशकों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच गले की फांस बना हुआ है। इसी पीओके को लेकर भारत देश कभी दावा करता है तो कभी पीओके पर सबूत पेश करने की बात करता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पाकिस्तान भी जबरन अपनी दावेदारी पेश करता हुआ नजर आता है। शुरुआत से देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पीओके की जमीन को लेकर छेड़ी जुबानी जंग में फिलहाल अब तक कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि यह दोनों देश युद्ध के मैदान में 3 बार साल 1965, साल 1971 और साल 1999 में आमना सामना कर चुके हैं। फिर भी जमीन के इस हिस्से को लेकर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पीओके है किसके हिस्से में और साथ में इसके पूरे इतिहास के बारे में भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत देश पीओके पर अपनी और भी मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीओके का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको पीओके क्या है यह समझना है तो सबसे पहले इसका पीछे का इतिहास समझना होगा। चलिए बात करते हैं आजादी के साल 1947 की। देखा जाए तो आजादी से पहले भारत देश करीबन 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इसके बाद जब भारत देश 1947 में आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इस रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान इन दोनों में से किसी एक देश में जाने की आजादी दी थी। उसके बाद 500 से भी ज्यादा रियासतों ने भारत देश के साथ जुड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ रियासतों ने भारत देश के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया, जिनमें से सबसे पहली रियासत थी हैदराबाद, दूसरी थी भोपाल और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। उस समय इसी 3 रियासतों को एकत्रित करने के लिए देश के बड़े नेताओं ने अच्छी खासी मेहनत करी थी। अगर आप ध्यान से देखें तो यह सभी रियासतें भारत देश के लिए अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि हमारी तीसरी रियासत जम्मू कश्मीर थी, उसका क्या हुआ? आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी की शुरुआत होती है जम्मू और कश्मीर के अंतिम महाराजा हरी सिंह से, जिनका उन दिनों वहां पर राज चलता था। दरअसल महाराजा हरी सिंह जम्मू और कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे और वो ना तो भारत देश के साथ जुड़ना चाहते थे और ना ही तो पाकिस्तान के साथ। वो जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र और स्विट्जरलैंड की तरह एक खूबसूरत देश बनाना चाहते थे। फिर दोहराया साल 1947 की आजादी का। तब भारत सरकार ने महाराजा हरी सिंह को सम्मान के साथ एक लेटर प्रस्तावित किया कि आप हमारे साथ भारत देश में विलय कर ले। लेकिन उस समय राजा हरी सिंह को यह बात मंजूर नहीं थी और अकेले रहने का फैसला कर लिया। फिर कुछ टाइम के बाद राजा हरी सिंह को अकेला देख पाकिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा आसम खान ने कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान पर हमला कर दिया, जिसमें राजा हरी सिंह की हार हो गई थी। इसके बाद हसन खान ने 2 नवंबर साल 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी का भी ऐलान कर दिया था। फिर मजबूर होकर राजा हरी सिंह ने भारत देश से मदद मांगी और कहा कि हमें बचा लो, हम भारत देश के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। फिर भारत सरकार ने राजा हरी सिंह के बीच तब के तत्कालीन गवर्नर माउंट बेटन के रहते विलय पत्र पर दस्तखत करवा लिए और इसी दस्तखत के आधार पर भारत देश दावा करता है कि राजा हरी सिंह के द्वारा किया गया दस्तखत से पूरे कश्मीर पर भारत देश का अधिकार बनता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत देश के इस दावे को नहीं मानता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हल्के समय में भी कश्मीर के बहुत से हिस्सों को अपने कब्जे में लेता हुआ नजर आता है, जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से जानते हैं। अब आइए इसे भी समझते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच क्या अंतर है। दोस्तों, देखा जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाले दक्षिण कश्मीर हिस्से में 8 जिले हैं। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू का कुछ हिस्सा भी शामिल है। इस पूरे भूभाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। यानी कि दोस्तों, मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जितना हिस्सा राजा हरी सिंह से लड़कर जीता उसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर मानता है और जो हिस्सा उसके कब्जे में नहीं आया उसे पाकिस्तान गुलाम कश्मीर कहता है। अब पाकिस्तान भारत के इसी कश्मीर के हिस्से को
आजाद करने के नाम पर हर दिन कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान सरकार की वजह से यह सब बंद नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले तो भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया। फिलहाल कश्मीर का माहौल शांत रखने के लिए आर्मी को खुली छूट दे दी गई है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत देश पाकिस्तान से लड़कर कश्मीर को अपने हिस्से में कर पाएगा या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।